अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फैसल चौधरी। आप देख रहे हैं कार मेंटेनेंस। अक्सर औकात एक मुझे मैसेज सुनने को मिलते हैं कि हमने वहाँ जहाँ से ओब्रीडी टू डिवाइस ली या थिंक डेक ली, हमें यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मिला, हमें अपडेट करने की मसला आता है, हमें यूज़ करना नहीं आता। उसके बाद हमारे पास डिवाइस है उसका हम यूज़र नेम पासवर्ड भूल चुके हैं, या ये ऐसे ऐसे मसले। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको ये सब के सब चीज़ें कवर कर सकूँ। सबसे पहले जो दोस्त आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लीजिएगा ताकि नियालीमेंट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। आइए टॉपिक की तरफ। टॉपिक ये है कि ओबीडी टू स्कैनर, जैसे कि आजकल थिंक डेक काफी मशहूर है, थिंक डेक जैसे कि काफी मशहूर है। पीछे से आवाज आ रही है तो काफी देर से मैं ट्राई कर रहा था कि आवाज खत्म हो जाए, लेकिन आवाज खत्म हो नहीं रही। तो थिंक डेक जैसे कि मशहूर है, तो सबसे पहले ये बात करने वाला हूँ कि अक्सर औकात लोग किसी से परचेज करते हैं, उनको ना यूजर नेम पासवर्ड मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, तो उससे उनको नुकसान क्या होता है कि उनको क्या नुकसान होता है कि ये यूजर नेम पासवर्ड हम किसी मोबाइल में इंस्टॉल करना चाहते हैं या अपडेट कराने में हमें मसला आता है या कोई भी मसला होता है, यूजर नेम पासवर्ड आपका हक है, आपको मिलना चाहिए। एक चीज ये है। दूसरे नंबर पे दूसरी चीज ये है कि हम अपडेट साल बाद कराना चाहते हैं, वो दुकान बंद होती है, यूजर नेम चूंकि पासवर्ड हमें मिलता नहीं, तो हम अपडेट कराना चाहते हैं, हमें ना अपडेट का तरीका मिलता है ना कोई तरीकाकार मिलता है, हम क्या करें। तीसरे नंबर पे चीज़ है कि हमें कोई मतलब गाइड करने वाला नहीं मिलता, हम किसी से ले लेते हैं, तो वो क्या होता है अक्सर उकात हमें बातें तो काफ़ी सुनाता है, लेकिन मसला ये होता है कि हमें वो चलाना ऑपरेट करना नहीं बताता, हम नए बंदे हैं, हमें नहीं पता। तो इंशाल्लाह इस सबसे मैं तंग आके आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि मैंने काफ़ी मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप चीज़ें हमें बताएं, कोई दुकान की शॉप बताएं तो हम उधर से परचेज करें ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी मैंने क्या किया हुआ है कि एक बंदे से मैंने रब्ता किया है, ये मैं मुझे डिवाइसेस सऊदी अरेबिया में और पाकिस्तान में प्रोवाइड करेगा। अगर किसी बंदे को थिंक डेक खास तौर पे या किसी की किस्म का भी स्कैनर चाहिए हो, लेकिन नए बंदे ज़्यादातर वीडियोस देखते हैं, तो थिंक डेक जो आपके लिए नॉर्मल काम के लिए इस्तेमाल की जाती है, जो सारे काम तकरीबन कर लेती है, तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ ये क्या क्या काम करती है। थिंक डेक आपको अगर पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया विदाउट टैप, टैब का मसला ये होता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा नाम खराब हो, टैब किसी को किसी किस्म का चाहिए, इसके साथ टैब नहीं आता, टैबलेट नहीं आता। क्या होता है कि टैबलेट मार्केट में अलग अलग किस्म के हैं, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं आपको पाकिस्तान में मिल जाएगा, सऊदी अरेबिया में आप खुद ले सकते हैं, मोबाइल में करें टैब में करें। उसमें क्या होता है कि अक्सर औकात खराब हो जाए, टैब हो जाए, तो उसमें मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, तो लोग चाहते हैं सस्ता हो और उसमें प्रॉब्लम ना हो, तो ये दोनों काम एक साथ नहीं होते। तो ये है कि मैं सिर्फ डिवाइस ही बताऊंगा, आपने टैब खुद लेना है, मैं करने का तरीका आपको यूज़ करने का तरीका खुद बताऊंगा। व्हाट्सअप का नंबर आपको स्क्रीन पे शोर हो रहा है, अगर नहीं मिलता तो अबाउट चैनल में जाइए, उधर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करेंगे जब आप वैसे ना मतलब मैसेज करें, अगर आपको वाकई ही चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। किसी किस्म का स्कैनर चाहिए हो तो कोई मसला नहीं, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपके साथ रहूंगा, और उसके बाद आपका नंबर मेरे मोबाइल में पक्का सेव हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आप इमो में मुझसे रब्ते में रहेंगे, कोई मसला नहीं, इशू नहीं। जब तक आपको चलाना नहीं आएगा प्रॉपर, आप जब खुद बोलेंगे कि ओके है तो ओके, उससे पहले मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। ये हो गया एक काम। दूसरी चीज ये है कि थिंक डेक सॉरी, अगर कोई भी ओबीडी टू डिवाइस या कोई भी लेते हैं, अगर आपको यूजर नेम पासवर्ड गुम जाता है या आपको अपडेट कराना पड़ता है, अगर आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो आपको फिर स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर, पहले मैं यानी उसको लगा देता हूँ व्हाट्सअप नंबर को, तो ये चलता ही रहेगा। अगर आपको व्हाट्सअप नंबर मिसाल के तौर पर आपका अपडेट कराना है आपको, या आपके पास यूजर नेम पासवर्ड नहीं है, तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं इंशाल्लाह उसको वो भी चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद अब रहा थिंक डेक में क्या क्या काम होता है, वो काम, ये नॉर्मल डिवाइस है, बेसिक डिवाइस है, इसमें आप थ्रॉटल लर्निंग कर सकते हैं, ओबीडी टू के कोर्स सारे, ABS एयरबैग सब काम कर सकते हैं, ये ओके है। इसके दोनों सॉफ्टवेयर मैंने आपको मिल सकते हैं, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर भी और क्रैक भी, लेकिन मैं खुद रेकमेंड करता हूँ ओरिजिनल से ज़्यादा क्रैक को। क्रैक एक नंबर पे सस्ता भी है और ओरिजिनल डबल प्राइसेस में है, तो ओरिजिनल लेने की फायदा नहीं, ओरिजिनल को ऑनलाइन ही कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद सालाना साल बाद आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। जब आप व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे मैम चला आपको वो भी चीज़ें बताऊंगा। और जो ओरिजिनल क्रैक सॉफ्टवेयर है वो ऑफलाइन है, आप ऑफलाइन किसी जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साल बाद आपको अपडेट करना करें नहीं करना ना करें आपकी मर्जी है। तो आपको किसी किस्म का स्कैनर चाहिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया बस, और किसी जगह पे मुझे नहीं पता इस जगह पे, क्योंकि मैं दो नंबरी वाला बंदा नहीं हूँ, आपने मेरी बातों से आप जो मुझे जानते हैं उनको पता है।
तो मेरी खुद की वर्कशॉप है, अगर सऊदी अरेबिया में आप मुझसे मिलके चीज़ लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, रियाद में मैं रहता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़, एक मेन अनाउंसमेंट करनी थी कि मैं पाकिस्तान से आ रहा हूँ। वैसे आपको क्या कहो करना पड़ेगा, मुझे पहले ऑर्डर बुक कराएंगे, 3 से 4 दिन में आपको डिवाइस मिलेगी मेरे से ही। लेकिन अभी अगर आप सऊदी अरेबिया में रहते हैं, आप अपना नाम, अपना अगर आपको चाहिए आप मुझे मैसेज पर बता दें, ठीक है। मैं जब मेरे 10-15 दिन बाद वापस मैं बैक आने वाला हूँ सऊदी अरेबिया में, अगर आपको चाहिए तो क्या करेंगे हम वापसी में अपने साथ ले आऊँगा, जितने आपको चाहिए उनको उसी टाइम मिल जाएगी। जब मैं वापस पहुँचूंगा आपको एक डेट फिक्स कर दूंगा, आप मुझे बताएंगे आपको उसी टाइम ड्रॉस मिलेगी, वरना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये हो गया। उसके बाद अभी मैं 15-20 दिन पाकिस्तान में हूँ। अगर किसी बंदे को पाकिस्तान में चीज़ चाहिए तो मुझे बताएं, मैं खुद ट्रेनिंग देने के लिए हाजिर हूँ। आप मेरे पास आ जाएं, मैं ट्रेनिंग दे दूंगा। अगर सऊदी अरेबिया में भी कोई बंदा है, 1 दिन आए, 2 दिन आए, 4 दिन आए, 50 दिन आए, कोई मसला नहीं, मेरे साथ आके बैठे मैं आपको काम सिखाऊंगा, कोई मसला नहीं। स्कैनिंग सिखाना है, वैसे भी कोई भी बंदा मेरे पास आना चाहता है काम सीखने के, जितना मुझे आता है मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड करूंगा। मेरे कोई फीस नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अगर आपके पास अलग से कोई डिवाइस है, अगर आपने किसी से परचेज कर लिया फिर भी कोई इशू नहीं, आप फिर भी सीखना चाहते हैं, मैं हाजिर हूँ। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा।